फिल्म्स में हम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेज। इस बॉलीवुड की ही बात करूंगा, लेकिन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। आपने कई मरतबा देखा होगा कि ये कहते हुए यूट्यूबर्स को सोशल मीडिया पर वेबसाइट्स वाले कई सारे न्यूज भी डालते हैं, जहां पर उनका मतलब टाइटल यही रहता है कि जैसे कि प्रियंका और निक जोन्स की हाल ही में मंगनी हुई, राइट। तो उनको पता नहीं है क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या हो रहा, तो वो लोग कुछ भी खबर डाल देते हैं। प्रियंका और निक है ना, हनीमून प्लान करेंगे, यहाँ पर इटली में प्लान करेंगे, वहां पे प्लान करेंगे, और उसके आगे लिखा जाता है क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन कहीं लिखा जाता है। क्या निक और प्रियंका का होगा हनीमून इटली में, एक्सक्लेमेशन मार्क। और वो आर्टिकल जब आप पढ़ोगे, आर्टिकल में ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, बहुत सी बकवास बातें रहेगी, प्रियंका मिली निक को, वहां हुआ, यहाँ घूमे, वहां घूमे, उसके बाद लास्ट में वो एक छोटा सा रहेगा कि सूत्रों का कहना है, जो बहुत ही नजदीकी सूत्र है प्रियंका की तरफ से बता रहे हैं कि ये प्रियंका बहुत ही जल्द निक के साथ जा सकती है इटली, और वहां पर उनका होगा हनीमून या वहां पे होगी उनकी शादी। ये सूत्र कौन होते हैं, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। सूत्र होते हैं या बनाए जाते हैं या क्या? सूत्र एक ऐसी खतरनाक चीज है ना, जो एक ईमानदार इंसान को भी बेईमान बना सकती है, एक ईमानदार इंसान को भी गद्दार बना सकती है, उसे कुछ भी बना सकती है। सूत्र बहुत खतरनाक चीज है भाई। और मीडिया वाले सूत्र पता है क्यों यूज करते हैं? ताकि उनपे कोई एलिगेशन ना आए। सपोज मैं आज ये कह रहा हूं कि सुल्तान फिल्म चाइना में 500 करोड़ कमाएगी। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, दावा कर रहा हूं, ठीक है। और मैं लेकिन बहुत श्योर नहीं हूं, है ना, क्योंकि मुझे नहीं पता उतना होगा कि नहीं। तो कंफर्मेशन जो है बहुत ही कम होता है मीडिया में, और इसीलिए ज्यादातर वेबसाइट्स के आप टाइटल देख लो। अभी मुझे यकीन नहीं आ रहा, जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स है बॉलीवुड के, जाइए खोलिए, उनमें टाइटल्स देखिए, हर दूसरी खबर, हर तीसरी खबर क्वेश्चन मार्क रहेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, क्योंकि उनके पास ओरिजिनल न्यूज है नहीं भाई। ओरिजिनल न्यूज है नहीं तो क्या बनाया, धंधा चलाना भैया। 30-40 लोगों को नौकरी पे रखा है और डे टाइम नाइट टाइम शिफ्ट चालू करके रखी है, तो भैया उनकी रोजीरोटी कहां से आएगी? तो कहां से आती है उनकी रोजीरोटी? ये सूत्र देते हैं उनको रोजीरोटी। नहीं यकीन आ रहा है, देख लीजिए जाके वेबसाइट्स पे, आपको कई सारी खबरें मिलेंगी निक और प्रियंका के बारे में। पढ़ लीजिए कितनी खबरों में सच्चाई है और कितनी खबरों में नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। कई सारी खबरें ऐसी आती है सूत्रों के अभी मीडिया न्यूज चैनल लगा के देख लीजिए, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से वो खबर आ रही है। सूत्र कोई नहीं होता है, मैं आपको बताता हूँ, दो चीज होती है यहाँ पे, सूत्र या तो कन्फर्म भी होता है या तो नहीं भी। अब कन्फर्म वाला सूत्र क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कई सारी वेबसाइट्स पे आप देखोगे सूत्रों के हवाले से जो खबर होती है उसमें 3-4 पैराग्राफ रहते हैं, जो सूत्र खुद ही बोलता है। वैसी खबर जो होती है वो ज्यादातर कंफर्मेशन होती है। वो कभी कभी क्या करती है, जैसे कि जो पीआर एजेंसी होती है, जैसे कि सपोज जॉनी इब्राहिम है, ठीक है, जॉनी इब्राहिम की फिल्म सत्यमेव जयते आ रही है, ठीक है। अब जॉनी इब्राहिम की फिल्म में नोरा फतेही डांस कर रही है, ठीक है, वो भी दिलवर सॉन्ग पे, ठीक है। तो ये खबर जिसे हम लोग को डालनी है मीडिया में, तो दो तरह से डाली जाती है, आप भी हमको अगर श्योर नहीं है तो, या जैसे कि हमारे जैसे पीआर ने बोला अरे वो जॉन इब्राहिम की फिल्म आ रही है, किसके पीआर ने, जॉन इब्राहिम के, अरे वो फिल्म आ रही है जॉन इब्राहिम की, तो हम चाहते हैं कि तुम ऐसे स्टोरी ना अपने उसमें डालो, है ना, वेबसाइट में, कि नोरा फतेही काम कर सकती है दिलबर सॉन्ग में। तो ऐसे क्या होता है, बस क्रिएट होता है। अरे सच में, फिर हम नोहा फतेही को फोन करते मीडिया वाले, अरे मैम आप क्या जॉनी इब्राहिम की फिल्म में डांस करने वाली हो? वो भी कहती है हाँ आई थिंक मैं करने वाली हूँ। वो भी क्लियर नहीं कहती क्योंकि उसे कंफर्मेशन देने को नहीं कहा जाता है। फिर 2-3 दिन ऐसे खबरें हर जगह फैल जाती है, सूत्रों के हवाले, सूत्रों के, मैं तो डांस करने लगा, राइट, तो सूत्रों के हवाले से खबरें फैलने लगती है, उसके बाद वापस जाके कंफर्मेशन आ जाता है मीडिया हाउस की तरफ से या फिर इसकी तरफ से, जॉनी इब्राहिम की पीआर की तरफ से, कि हाँ अब आप छाप सकते हो कि नोरा फतेही डांस करेगी, तो वापस एक और खबर आ गई। तो एक खबर सूत्रों के हवाले से और एक खबर कन्फर्म, समझे हो? तो इससे दो खबर हो गई ना, खबर एक ही है, टॉपिक ये है कि नोरा फतेही डांस करने वाली है दिलवर सॉन्ग पे, लेकिन पहले क्वेश्चन मार्क के जरिए डाला ताकि लोगों में एक्साइट हो, लोगों में बस क्रिएट हो, उसके बाद कंफर्मेशन खबर डाल दी 2-3 बार, हाँ नोरा फतेही जरूर रहने वाली है विद कोर्ट के साथ।
कोर्ट के साथ रहेगा प्रोडक्शन हाउस का, हम बहुत एक्साइटेड है कि नोरा फतेही हमारी फिल्म में डांस करने वाली। तो ये सब फंडा होता है सूत्र का। सूत्र दो तरह के होते हैं, या तो फिर वो ऑफिशियली होते हैं या तो फिर अनऑफिशियली। और बहुत बार क्या है, खबरें जो ऐसी होती है जिस जहां पे ना बहुत इंपॉर्टेंट खबरें होती है उसे बताना भी जरूरी होता है लेकिन कन्फर्म नहीं होता। जैसे कल की खबर ले ले, निक और प्रियंका की मंगनी होने वाली, ये खबर रात को, परसों रात को बहुत सारे मीडिया हाउसेस में हर जगह घूम रही थी लेकिन किसी को ऑफिशियली पता ही नहीं, क्योंकि ना तो प्रियंका ने कन्फर्म किया था इस बात को, ना तो निक जोन्स ने कन्फर्म किया, ना तो उनकी फैमिलीज ने कन्फर्म किया ये बात को। तो मीडिया का जो सवाल था वो क्वेश्चन मार्क में ही था परसों तक, लेकिन कल जब तक वो तस्वीर नहीं आई प्रियंका के निक के साथ तब तक लोगों का कन्फर्मेशन नहीं हुआ, तब तक हर कोई क्वेश्चन मार्क के साथ ही खबरें चला था, आप देख लेना। उसके बाद जाके क्लियर हो गया कि हाँ वो रोका सेरेमनी हुई है, उसके बाद वो क्वेश्चन मार्क हट गया खबर से। क्यों पता है, मैं आपको बताता हूं। अगर बिना प्रूफ के अगर आप क्वेश्चन मार्क भी नहीं डालते या एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं डालते तो आप पे सामने वाला बंदा केस कर सकता है, ठीक है, आप पे प्रियंका चोपड़ा केस कर सकती है, तुम्हारी शादी हो रही मुझे नहीं पता तुमने कैसे खबर डाल दी, है ना, मेरे पूछे बगैर तुमने कैसे खबर डाल दी। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क काम आता है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन काम आता है और यहाँ पे सूत्र काम आते हैं। तो सूत्रों का सही काम यही होता है कि वो खबरों खबर में ट्विस्ट पैदा करे। बहुत तरह के सूत्र होते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप जब काफी सारी वेबसाइट्स को देखोगे ना आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी कि कुछ तो मीडिया हाउसेस कुछ ना मतलब पीआर एजेंसी जो होती है जिसे सेलिब्रिटीज हैंडल करती है, मूवीज हैंडल करती है, वो जानबूझ के क्वेश्चन मार्क वाली खबरें देते हैं मीडिया हाउस को छापने के लिए। और कभी कभी मीडिया हाउस अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सूत्रों के हवाले से खबरें छापती है। जैसे यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन मार्क करके खबर डाल दूं, क्या सुल्तान ब्रेक कर देगी दंगल का रिकॉर्ड। सूत्रों का कहना है कि सुल्तान चाइना में बहुत अच्छी चलने वाली है, उसको इतनी स्क्रीन्स मिलने वाली है, वो तोड़ सकती है। अब सूत्र कौन है कोई नहीं पता किसी को, लेकिन वो मीडिया हाउस ने खुद बनाया था कि उसको पब्लिक उस पे उसके उसके न्यूज पे लोग आके देखे, लोग एक्साइट होंगे ना यार सुल्तान तो तोड़ ही है दंगल की, बड़ी बात है तो लोग आके देखेंगे। तो एक्साइट करने के लिए, अटेंशन पाने के लिए, ट्रैफिक पाने के लिए वेबसाइट पे सूत्रों का हवाला लेते हैं। तो दो तरह के सूत्र होते हैं, एक तो पब्लिसिटी के लिए यूज किए जाते हैं सेलिब्रिटीज और मूवीज के पीआर द्वारा यानी पब्लिक रिलेशन द्वारा मीडिया को देने के लिए, और दूसरे होते हैं जो मीडिया खुद क्रिएट करती है, वेबसाइट्स खुद बनाती है अपनी तरह से मनगढ़ बातें, समझ गए। तो आई होप आपको सूत्रों का ये क्लियर हो गया होगा। और ये सूत्र से कई सारे लोग लाखों कमा रहे हैं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, हर तरह से। उनकी खबरें कोई कंफर्म नहीं होती है, पहले लिखेंगे ब्रेकिंग न्यूज, उसके आगे लिखेंगे क्या निक और प्रियंका जाएंगे घूमने यहां इटली में, तो क्वेश्चन मार्क। जब तुम ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हो तुम्हारा क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है, है ना, ब्रेकिंग न्यूज मतलब कंफर्म खबर बताओ, ये तो ब्रेकिंग न्यूज लिखने का मतलब क्या है। तो याद रखिए, आप जब भी कोई खबरें पढ़े ध्यान से पढ़े और समझिए उसमें क्वेश्चन मार्क है या नहीं है, सोर्स है या नहीं है, और खुद समझिए कि आखिर ये खबरें सही में हमें बेवकूफ बना रहे या फिर ये ओरिजिनल खबर है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिलहाल इतना ही, बाय बाय।